प्राचीन काल से ही भारत पूरी दुनिया को अपने ज्ञान की आभा से प्रकाशित और आश्चर्यचकित करता आया है। भारतीय विज्ञान और गणित का अध्ययन पूरी दुनिया कर रही है। आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है, दशगीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्ट सिद्धांत। इस समय उसके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उनके इस ग्रंथ का 7वें शतक में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। आर्यभट्टीय ग्रंथ में इनका जन्म शक संवत 398 को कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। शून्य की महान खोज ने आर्यभट्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया, जिसके बिना गणित की कल्पना करना भी मुश्किल है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में 120 सूत्र दिए, जिन्हें आर्यभट्ट की टीकाएं कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के कई सूत्र इसमें पहले ही बता दिए गए थे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पाई का सटीक मान, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या, समय गणना, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित आदि के कई सूत्र व प्रमेय आधुनिक विज्ञान से कई वर्षों पहले ही हमें आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय में मिलते हैं। भारत समन्वय परिवार की ओर से महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट को शत शत नमन। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।